सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। बात बोलेगी कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक नई कहानी लेके हाजिर हैं और ये कहानी राष्ट्रीय आंदोलन के नायक या गांधीवादी आंदोलन के नायक की ना होके उसके एक विलेन की कहानी है। और ये एक ऐसे विलेन की कहानी है जिसने हमारी राष्ट्रीयता पे, हमारी आज़ादी की लड़ाई पे सबसे गहरा चोट किया। लेकिन मुश्किल ये है कि सब करने की उसको जो कीमत मिली वो शायद उससे भी ज़्यादा बड़ी थी। और ये नायक हैं, खलनायक हैं, लियाकत अली, जो पाकिस्तान बनवाने में जिनकी बड़ी भूमिका थी और जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, जिन्ना के सबसे बड़े सहयोगी थे, उसी जिन्ना के जिसने विभाजन कराया। लियाकत जो है करनाल के थे यहाँ के, और पढ़ाई इनकी भी विदेश से हुई थी, इन्होंने वकालत पढ़ी थी। लेकिन उन्होंने वकालत की नहीं, ये मदरसा एक चलाते थे और उसी मदरसे के सदर बने और उसी के साथ ये मुजफ्फरनगर में रहे काफ़ी समय तक। जब ये मुजफ्फरनगर में थे उस दौरान गोविंद वल्लभ पंत कांग्रेस के इस इलाके के सबसे दमदार और बड़े नेता थे। उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि लियाकत कांग्रेस में सक्रिय हों, लेकिन लियाकत ने उसी समय से कांग्रेस से अपना रिश्ता अलग रखा। वो राष्ट्रीय आंदोलन में या तब के राष्ट्रीय चेतना से लाभ लेते रहे, लेकिन कांग्रेस में उन्होंने भागीदारी नहीं की। जिस समय वो लीग में शामिल हुए हैं उस समय लीग के सदस्यों की संख्या 1000 के आसपास रही है। लेकिन लीग वैसे ही सुस्त पड़ी रही। जिस दौर में कांग्रेस और लीग का की दोस्ती चली वो एक दौर अलग था, उसके बाद लीग को कोई पूछने वाला नहीं था। और हालत ये हो गई थी कि जिन्ना महाराज जब गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा उन्होंने लिया और उनको काफ़ी निराशा हुई, तो उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो इंग्लैंड में बसेंगे। और उन्होंने हैम्पशायर में अपनी जगह ले ली थी और वहाँ उन्होंने अपना घर ले लिया था हैम्पस्टीड में। और उसके बाद वो वहाँ प्रैक्टिस करने लगे, उनकी वकालत काफ़ी चलने लगी थी, तो मन ही मन वो तय कर चुके थे कि अब हिंदुस्तान नहीं लौटना है। तभी लियाकत का प्रवेश उनके जीवन में हुआ। और लियाकत का भी प्रवेश इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि लियाकत ने तभी दूसरी शादी की थी। उनकी पहली शादी का जिक्र हम सब नहीं जानते कि वो कहाँ हुई थी, क्या हुई थी, उसका क्या हुआ, उसकी कहानी नहीं मालूम। लेकिन दूसरी शादी उन्होंने राणा नामक एक महिला से की, जो पुराना उनका परिवार पंत था, उत्तराखंड का पंत पंडित था। उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाई थी और वो रामपुर में पढ़ाती थी, वो भी स्कूल शिक्षिका थी, बड़ी खूबसूरत थी, उनकी खूबसूरती के बड़े चर्चे हैं। और लियाकत से उन्होंने 33 में शादी की थी। इस शादी के बाद जब ये जोड़ा हनीमून मनाने यूरोप में गया, उसी क्रम में ये लोग जिन्ना से मिलने गए और जिन्ना को इन्होंने राज़ी किया कि आप वापस चलिए क्योंकि आपको देश के मुसलमानों को आपकी ज़रूरत है। जिन्ना उस पर सहमत नहीं हुए, लेकिन जिस तरह से ये मियाँ बीवी दोनों लगे रहे, उसके बाद जिन्ना को ये भरोसा हुआ कि ये रिलायबल लोग हैं, इनके साथ भरोसा किया जा सकता है। तो उन्होंने लियाकत से कहा कि आप वापस जाइए और जाके चीज़ों को देखिए और देख सुन के वापस रिपोर्ट करिए कि मैं आऊँ कि नहीं, और आप अगर कहेंगे कि मैं आ जाऊँ तो मैं आऊँगा। लियाकत ने सचमुच उसके बाद मुल्क का काफ़ी दौरा किया, 14,000 माइल माना जाता है कि उन्होंने दौरा किया, अलग अलग जाके अलग अलग मुसलमानों के समूहों से भेंट की और वापस उन्होंने उनको खबर की कि आप आ जाइए। उसके बाद जिन्ना आए हैं और जिन्ना ने क्या क्या किया ये सारी कहानी अलग है। लेकिन आने के साथ ही लियाकत और जिन्ना में हल्का मतभेद हुआ, क्योंकि जिन्ना ने आते ही उन सारे मुसलमान नेताओं के लिए दरवाजे खोल दिए लीग के, जो कांग्रेस में थे या कांग्रेस के करीब थे या जो वापस लौटना चाहते थे। इसमें सबसे बड़े खलीकुजमा थे, चौधरी खलीकुजमा, जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी हुए थे, यूपी के थे, और लियाकत की उनसे बनती नहीं थी। लियाकत को ये पसंद नहीं था, उनको ये था कि जो फेथफुल लोग हैं उन्हीं से काम करिए, ये आधे कांग्रेसी ले आने से लीग का आंदोलन नहीं चलेगा। लेकिन इस एक मतभेद के बाद जिन्ना लियाकत में कभी मतभेद की खबरें हमने नहीं सुनी हैं। लियाकत पहले स्टेट असेंबली में गए थे
लेकिन लीग का नाम उन्होंने लिया था, लेकिन वो लीग का काम वहाँ करते नहीं थे, अपने हिसाब से बोलते चलते थे, अपनी तैयारी से गए थे। उस समय कई राष्ट्रीय मुद्दे भी उन्होंने उठाए थे, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट उठा रहा था वो भी उन्होंने वहाँ उठाए। बाद में वो लीग के समर्थन से सेंट्रल असेंबली में गए और उसके डिप्टी लीडर बने। हम सब जानते हैं कि जब इंटरिम गवर्नमेंट में लीग के लोग शामिल हुए तो जिन्ना ने खुद तो आने से मना किया, लेकिन उन्होंने लियाकत को सबसे ऊपर किया, और लियाकत के लिए होम मिनिस्ट्री का बहुत झगड़ा चला, विदेश मंत्रालय का झगड़ा चला, फाइनली लियाकत को वित्त मंत्री बनाया गया। और उन्होंने क्या नाक में दम किया कांग्रेसी सरकार का, कि सबको समझ में आ गया कि अब ये चलने वाला मामला है नहीं। तो लियाकत ने जिन्ना के उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जिसमें ये दरार चौड़ी होती गई, और फाइनली कांग्रेस के लोगों ने भी ये रियलाइज़ किया, ज़्यादातर लोगों ने, गांधी जैसे लोग तो विरोधी रहे, कि इससे काम चलने वाला नहीं है, अब मुल्क को बांटना ही होगा, और इस बंटवारे के बिना अब हिंदू मुसलमान साथ नहीं चल सकते। ये झगड़ा काफ़ी चला और लियाकत ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है, और लियाकत को क्या क्या मिला इन चीज़ों की चर्चा अभी हम नहीं करें। लेकिन जब मुल्क आज़ाद हुआ तो जिन्ना उसके चीफ बने और उन्होंने लियाकत को अपना प्रधानमंत्री बनाया। हम सब जानते हैं कि जिन्ना उस समय तक काफ़ी बीमार हो गए थे और उनके फेफड़े लगभग जवाब देने लगे थे। लियाकत ही लगभग सारा काम करते रहे, और उसमें जिन्ना फिर एक दफ़े वापस, जैसे पाकिस्तान बनने का फैसला हुआ, जिन्ना का सेकुलरिज्म फिर वापस आ गया। वो संविधान बनाना चाहते थे, सेकुलर व्यवस्था करना चाहते थे, और यही लियाकत भी चाहने लगे। लेकिन इस जोड़ी की विफलता ख़ास तौर से जिन्ना के जाने के बाद ये रही कि पाकिस्तान का संविधान बन नहीं पाया ढंग से, और इसका अफसोस लियाकत को रहा। लेकिन जैसे जिन्ना की मौत हुई 49 में, उसके बाद से लियाकत पे कई किस्म के हमले बढ़ने शुरू हो गए, ख़ास तौर से जिन्ना की बहन फातिमा, जो काफ़ी समय से उनके साथ ही रहती थी और आखिरी दिन तक उनके साथ रहीं, फातिमा ने लियाकत पे काफ़ी हमले किए। एक दफ़े उनका प्रसारण, रेडियो प्रसारण गड़बड़ हो गया, उसमें आवाज़ की कुछ दिक्कत आई, तो लियाकत को ही उन्होंने उसका दोषी माना, और ये लियाकत का विरोध चलता रहा उनके पार्टी के अंदर से लेके फौज से लेके सब चीज़ें। अचानक लियाकत जो है, जो जो किया उन्होंने उस सब की चर्चा के कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन 15 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी की एक सभा में उनको ठीक सामने बैठे एक पठान ने गोली मार दी और उनकी वहीं मौत हो गई। ये पठान कहाँ से आया, उसको हथियार किसने प्रोवाइड किए, उसने अपने आप को, जब वो होटल में गया रहने वहाँ, तो उसने कहा कि मैं CID का आदमी हूँ, सईद अकबर नाम है उसका, और उसने होटल में ये कहा था कि मैं CID का आदमी हूँ। उसके बाद से ये कोई आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि राणा को किसने मरवाया था। राणा की पत्नी, ये लियाकत की पत्नी राणा ने बाद में ये आरोप लगाया कि फौजी हुक्मरानों ने उनको मरवाया। हम सब जानते हैं कि राणा काफ़ी समय उसके बाद भी पाकिस्तान रहीं और उन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी मदद की, बल्कि वो राजदूत रहीं अमेरिका में, लेकिन उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि लोगों का मानना था कि लियाकत की जगह वो ले सकती थी, उनको वो नहीं मिला। लेकिन लियाकत को जो मौत मिली, वो कई लोगों का मानना है कि विभाजन में उन्होंने अपने मुल्क के साथ जो गद्दारी की, मुल्क के साथ जो धोखा किया, ये उसकी कीमत है। करनाल से जाके वहाँ उनको अगर ये लगता था कि वहाँ वो राज कर सकते हैं, तो स्थानीय लोगों ने ये बता दिया कि ये उनका राज नहीं है। तो जिस लियाकत ने पाकिस्तान के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, इतना कुछ किया जिन्ना के समर्थन से लेके हिंदुस्तान के सारे लोगों से बैर लेने का, उस लियाकत का अंत बहुत ख़राब हुआ। आज की कहानी इतनी ही, इसके साथ ही हम फिर अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आज बस इतना ही।